हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपर्णा एंड आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नवरात्रा स्पेशल रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे कच्चे केले और आलू के कटलेट और साथ ही बनाएंगे साबूदाना वड़ा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है लेकिन बनाने में उतने ही सिंपल है। सो डिटेल्ड रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। एंड गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ बना के कच्चे केले और आलू के कटलेट। इसके लिए मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं और 1 आलू लिया है, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है एक विसल लगा के। इनको छील लेते हैं और इसके बाद इनका एक पेस्ट हमें बनाना है। सो, अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें बारीक कटी हरी मिर्च, जिसमें अगर आप काली मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है बारीक कटा हुआ, क्योंकि हम इसको व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको रेगुलर ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं देन आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुनी हुई मूंगफली का एक पाउडर, जिसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था मोटा मोटा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इनको मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड किया है इसमें। सो, अब ये टिक्कियाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। आप इसको जो शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। सो, टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं, या तो हम इसमें घी ऐड करेंगे या फिर आप इसको जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं व्रत में खाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, हम लोग इसको शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि व्रत में जनरली हम लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और इवनिंग में अचानक से फ्राइड खाते हैं तो वो नुकसान देता है। सो, इसलिए हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसको बनाइएगा ज़रूर, ये एक रेगुलर व्रत के खाने से हट के कुछ नई रेसिपी है, जो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनाने में तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके अलावा मैंने व्रत के लिए साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी भी अपलोड की है अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। सो, टिक्कियाँ हमारी एक साइड से अच्छे से सिक चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इन पर आया है। एंड बिलीव मी गाइस, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। सो, अब टिक्कियाँ रेडी हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। आप इसको हरे धनिए की चटनी या जिस भी, तो मैंने इनको सर्व कर लिया है हरी चटनी के साथ, आप इनको बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, जिनको मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। इस साबूदाने को मैंने 3-4 घंटे भिगो के रखा है, अगर सोकिंग टाइम 1 घंटा हो तो भी आराम से बन जाएगा, बट मुझे साबूदाना खिचड़ी भी बनानी थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम सोक करके रखा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आपके पास हरा धनिया है बारीक कटा हुआ आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी मूँगफली कूट के डाली हैं और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। हम इसको व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। एंड ये वड़े भी बनते बहुत जल्दी हैं, इनका कुकिंग टाइम बहुत कम है और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो इनको मिक्स कर लेते हैं एंड देन फिर इनके टिक्कियां बनाएंगे हम लोग। साबूदाना अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इनकी टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं। इसको भी आप जो शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं, मैं आज इनको टिक्कियों की ही शेप में बना रही हूँ। और बनाते हुए ये थोड़ा सा चिपक सकता है आपके हाथ पर, क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो उसके लिए आप हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद इनको बनाएं तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और इजीली ये बनके रेडी हो जाएंगे। अगेन, इनको आप गोल शेप देना चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं एंड ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कई बार व्रत में कुछ मीठा खाने का भी मन करता है लेकिन मीठे के इतने हेल्दी ऑप्शंस हमें नहीं मिलते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर बीटरूट हलवा की रेसिपी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और व्रत में खाने के लिए वो बहुत अच्छा स्वीट ऑप्शन है एक, एंड हेल्दी भी होता है।
सो टिकियां हमारी इसी तरह से हम सारी टिकियां रेडी कर लेंगे बनाकर, और आज इनको मैं पैन फ्राई करके ही बना रही हूँ, लेकिन इनको फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। अगर हम कम ऑयल रखेंगे तो अंदर तक साबुदाना सिकेगा नहीं और फिर खाते समय वो दांतों में चिपकेगा। सो ऑयल हीट अप हो जाए तो उसके बाद हम इसमें अपनी टिक्कियाँ ऐड करेंगे, और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती और इनके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट नहीं आ जाता। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती हैं, आप इनको हरी चटनी के साथ या दही के साथ, जिस चीज़ के भी साथ सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो इनको फ्लिप करके एक बार देख लेते हैं, अच्छे से सिक चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अब नीचे से भी इनको एक बार और अच्छे से हमें फ्राई करना है, तो आप देख सकते हैं टिक्कियाँ प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। इनको एक पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल इनका रिलीज़ हो जाए, और इसके बाद इनको सर्व करते हैं। वड़ों को हमने सर्व कर लिया है, आप इन्हें बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।